क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3/5 ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल बनाना है 5, 6, 7 सेंटीमीटर साइड का और इसके ही सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है जो गिवन ट्राइंगल का 3/5 हो। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स हैं 5, 6, 7। तो सबसे पहले बच्चों हम ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों हमें दो साइड और इस ट्राइंगल की ड्रॉ करनी है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों हम 5 सेंटीमीटर कार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले कंपास में हम भर लेते हैं 5, कंपास में जो 5 सेंटीमीटर भर लेते हैं ऐसे और यहां से एक आर्क लगा लेते हैं ऐसे। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को काटे, इस वाले को देख पा रहे हैं, जगह ए इसे मान लेते हैं बी और इसे सी, अब इन्हें आप मिला भी लीजिए। तो बच्चों हमने गिवन ट्राइंगल बना लिया, अब 3/5 इस गिवन ट्राइंगल का 3/5 पार्ट का एक दूसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे। उसके लिए तरीका यह होगा कि सबसे पहले बी पर, पॉइंट बी पर एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि 3/5 पार्ट करने हैं और हम इसके अब 5 पार्ट्स करेंगे, इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, वो आपकी मर्जी है कि आपको कितना रखना है, रेडियस कितनी रखनी है, जो इक्वल पार्ट्स आप करना चाहते हो कितना रखना है, 3, 4, 5, B1, B2, B3, B4, B5, कुल हमने 5 पार्ट्स ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट B5 को इससे मिला लीजिए, ओके। अब क्योंकि हमें 3/5 पार्ट करना है तो अब हम B3 पर CB5 के पैरल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए बच्चों तरीका यह होगा कि जितना यहां ये वाला एंगल पॉइंट B5 पे बना हुआ है उतना ही हम यहां बनाएंगे। तो उसके लिए यहां एक आर्क लगाएं ऐसे, ओके, जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बच्चों, जो हमें नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं उन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन मैंने डॉटेड इसलिए नहीं खींची क्योंकि इस पे आर्क लगाने होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए। अब जितना जिस रेडियस का आर्क हमने B5 पे लगाया उतना ही आर्क हम B3 पे लगाएंगे, ओके अब इसके बाद इस एंगल को नाप लीजिए इस प्रकार से, इसे नाप लीजिए और इसके बाद उतना एंगल हम यहां बनाएंगे तो आर्क यहां लगा लीजिए ऐसे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद B3 को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, जो कि ये BC को जहां भी काट रहा हो उसे नाम देते हैं बच्चों C-। रिक्वायर्ड ट्राइंगल के अभी तक दो पॉइंट हमें पता है, B और C-। एक पॉइंट और चाहिए बच्चों, है ना। अब AC के पैरेलल हम C- पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो फिर से बच्चों ये जो प्रोसेस था वो यहां लगाएंगे हम, मतलब यहां जो C पर जो एंगल बना हुआ है वहीं C- से बनाएंगे। इसके लिए आप किसी भी रेडियस का एक आर्क ले लीजिए और वही आर्क C- पे लगाइए, ओके। अब बच्चों इसे मेजर कर लीजिए कि ये एंगल कितना है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये एंगल इतना है, ठीक है। अब यही
जितना एंगल हमने नापा हुआ है कंपास में वही आर्क इस पे लगा लीजिए। ओके, अब सी डैश को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ओके, तो बच्चों ये हो जाएगा ए ए डैश, इसे ए डैश मान लेते हैं। अब ए डैश बी और सी डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, इसे हम डार्क कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि ये फिगर हमने कैसे बनाया। ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी, फिर बीसी पर एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे बीएक्स खींच लिया, और इसके बाद क्योंकि 3/5 पार्ट है तो रेसो का 5 वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है, तो हम इसमें 5 पार्ट लेंगे और लास्ट वाले पॉइंट को हम सी से मिला लेंगे। फिर जितना एंगल यहां B5 पर है उतना एंगल, क्योंकि 3/5 करना है हमें गिवन ट्रायंगल का, तो B3 पर इतना ही एंगल बनाएंगे जितना कि B5 पर है, जो कि BC को C डैश पे काटता है। फिर जो एंगल C पर है वही एंगल हम C डैश पे बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल मिल जाता है A डैश B C डैश, जो कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो बच्चों गिवन ट्रायंगल को कैसे बनाया हमने उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, बस हम बता देंगे कि हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। लिखेंगे ऐसे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 6 सेंटीमीटर। गिवन ट्रायंगल बच्चों ये बना लिया था हमने, तो ये ऐसे लिख लिया। फिर इसके बाद बच्चों हमने रे ड्रॉ किया था, तो अब इसके बारे में बताएंगे। थ्रो B, ड्रॉ अ रे BX सच दैट एंगल सी बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट बच्चों, इसके बाद हमने क्या किया, BX पर हमने 5 पॉइंट्स लिए थे इस प्रकार से कि ये सभी पार्ट्स इक्वल हों। टेक पॉइंट्स B1, B2, B3, B4 एंड B5 सच दैट B1, B2, B3, B4 is equal to B4, B5। फोर्थ, इसके बाद जो हमने इसे मिलाया था तो आप लिख सकते हैं join CB5, थ्रो B3, ड्रॉ B3 सी डैश पैरेलल टू CB मीटिंग BC एट सी डैश। इसके बाद बच्चों हमने सी डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, थ्रो सी डैश ड्रॉ सी डैश ए डैश पैरेलल टू CA मीटिंग AB एट ए डैश, दस ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल।